गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रिचा हूँ। मैं एक ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हूँ और यूवेटिक स्पेशलिस्ट हूँ ट्रॉपाई सेंटर से। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस या रूमेटॉइड गठिया के बारे में। रूमेटॉइड गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली काम नहीं करता और वो खुद के ही शरीर के हिस्सों को अटैक करता है। इसके कारण जोड़ों में दर्द और सूजन आती है। ये बड़े और बच्चों दोनों को ही हो सकता है। पर क्या आपको पता है रूमेटॉइड गठिया से आंखों की भी प्रॉब्लम हो सकती है? जी हाँ, ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं है कि रूमेटॉइड गठिया से आंखों की बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है ड्राई आई या आंखों का सूखापन। इसका इलाज नहीं करने से आंखों में इन्फेक्शन या फिर पुतली में सफेदी भी हो सकती है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आंखों की प्रॉब्लम होती है यूवेटिस और स्क्लेराइटिस। यूवेटिस में आंखों के अलग अलग हिस्सों में सूजन आती है। इसके होने पर आंखों में लाली, दर्द व आंखों में देखने में तकलीफ होती है। कुछ लोगों को आंखों के सामने काले धब्बे भी दिख सकते हैं। स्क्लेराइटिस आंखों के सफेद हिस्से में होने वाली लाली और दर्द और सूजन को कहते हैं। इसमें दर्द बहुत तेज होता है, लाली भी बहुत सुर्ख होती है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो अपने ऑप्थल्मोलॉजिस्ट या आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ रूटीन चेकअप जरूर कराएं। थैंक यू।